कणों की क्षण के सिरे से दूरियों के घनों का माध्य मान ज्ञात करें, जबकि क्षण की लंबाई ए है। माना क्षण के एक सिरे से दूरी x है, अतः दूरियों की घन, दूरियों का घन बराबर x क्यूब, y इज इक्वल टू x क्यूब, माध्यमान इज इक्वल टू 1/b-a, a टू बी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/a-0, इंटीग्रेशन में 0 to a x क्यूब डी एक्स, 1/a x क्यूब का इंटीग्रेशन हुआ x^4/4, 0 to a, 1/a इंटू a^4 अपान 4, a से 4 कट गया तो a^3/4। t डिग्री सेल्सियस पर धारा नियंत्रक का प्रतिरोध R, समीकरण R इज इक्वल टू 38 ब्रैकेट में 1+0.0042 द्वारा दिया जाता है। तो R का माध्यमान ज्ञात करें, यदि R t बराबर 10 डिग्री से t बराबर 40 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित होता है, माध्यमान इज इक्वल टू 1/b-a इंटीग्रेशन a^2by dx, a और b की वैल्यू रखने पर 1/40-10, इंटीग्रेशन में 10 to 40, 38 ब्रैकेट में 1+0.0042 dt इज इक्वल टू 1/30 × 38 बड़े क्वेश्चन में t+0.004t²/2 बड़ा क्वेश्चन 10 to 40 इज इक्वल टू 1/30 × 38 40+0.004 × 40 × 40/2 -10 -0.004 × 10 × 10/2 इज इक्वल टू 38/30 बड़े कोस्ट में 30+3.2 -0.2 बड़ा कोस्ट 1 इज इक्वल टू 38/30 × 33 3 से काट देने पर 418/10 इज इक्वल टू 41.8 यह हुआ हमारा आंसर। तब आ जाता है, हाँ ठीक है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन प्रश्नावली 9.1, सिम्पसन की एक तिहाई नियम से एक मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आकार के बारे में निम्नलिखित बातें मालूम हैं। कोटियाँ 2, 9, 18, 40, 70 मीटर तथा उभयनिष्ठ दूरी बराबर 30 मीटर। सिम्पसन नियम से a^2by dx इज इक्वल टू h/3 बड़े कोष्ट में छोटा कोष्ट f+l+2o+4e कोटियाँ हैं 2, 9, 18, 40, 70 यहाँ पर कोटियाँ जो है 5 हैं। तो f = y1 फर्स्ट y1 है इज इक्वल टू 2, लास्ट y5 है इज इक्वल टू 70, 8 जो है वो y3 है इज इक्वल टू 18, इवन y2 और y4 हैं y2 और y4 इज इक्वल टू 9+40 इज इक्वल टू 49, h इज इक्वल टू 30 है, एरिया इज इक्वल टू अब मान रख रहे हैं हम तो 30/3 बड़े कोष में 2+70
प्लस 2 × 18 प्लस 4 × 49 इज इक्वल टू 10। बड़े क्वेश्चन में 72 प्लस 36 प्लस 140 96 इज इक्वल टू 10 × 304 इज इक्वल टू 3040 वर्ग मीटर। यही हमारा क्षेत्रफल हुआ। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्पसन के नियम का प्रयोग कर नीचे दी गई बीमाओं से जमीन के एक खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोटियां हैं 23, 19, 14, 11, 12.5, 16, 19, 20, 20। उभयनिष्ठ दूरी बराबर है 1.5। उभयनिष्ठ दूरी को हम एच कहते हैं। अब y1 इज इक्वल टू 23, y2 इज इक्वल टू 19, y3 इज इक्वल टू 14, y4 इज इक्वल टू 11, y5 इज इक्वल टू 12.5, y6 इज इक्वल टू 16, y7 इज इक्वल टू 19, y8 इज इक्वल टू 20, y9 इज इक्वल टू 20। फार्मूला हमारा यह है कि a इज इक्वल टू बड़े क्वेश्चन में एफ प्लस एल प्लस 2O प्लस 4E बड़ा कोष्ट बन। फर्स्ट और लास्ट हमारा Y1 और Y9 है। प्लस 2 ब्रैकेट में 14 प्लस 12.5 प्लस 19 छोटा कोष्ट बन प्लस 4 19 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 20 छोटा कोष्ट बन बड़ा कोष्ट बन इज इक्वल टू 1.5/3 इज इक्वल टू 23 प्लस 20 प्लस 2 × 45.5 प्लस 4 × 66 इज इक्वल टू 0.5। बड़े कोष्ट में 43 प्लस 91 प्लस 264 इज इक्वल टू 1/2 × 398/199। सिम्पसन नियम से 0 to 6 YDX का मान निम्न तालिका से निकालें। X 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y इज इक्वल टू है 0.14, 0.16, 0.18, 0.19, 0.20, 0.22, 0.23। हल A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू हम n की वैल्यू ऐसा मानते हैं कि हल करने पर h की वैल्यू आसानी से आ जाए। तो अगर n इज इक्वल टू हम 6 ले लेंगे तो 6 × 5 = 1 हो जाएगा, इसलिए n की वैल्यू हमने 6 लिया है। h इज इक्वल टू होता है b − a/n, b की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 0 है, तो 6 × 5 = 1। यह फर्स्ट है हमारा Y1 इज इक्वल टू 0.14। लास्ट L है Y7 इज इक्वल टू 0.23। आठ हमारे हैं Y3 और Y5, तो O इज इक्वल टू 0.18 प्लस 20। F E इज इक्वल टू Y4, Y6 है, तो वह हो गया 0.16 प्लस 0.19 प्लस 0.22। एरिया इज इक्वल टू होती है A to B FxDx इज इक्वल टू h/3 बड़े कोष्ट में F प्लस L प्लस 2 × O प्लस 4 × E इज इक्वल टू 1/3 बड़े कोष्ट में छोटा कोष्ट 0.14 प्लस 0.23 प्लस 2 × छोटे कोष्ट में 0.18 प्लस 0.20 प्लस 4 × 0.16 प्लस 0.19 प्लस 0.22
बड़ा कोश बंद इज इक्वल टू 1/3 बड़े कोश में 0.37 प्लस 0.76 प्लस 2.28 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3.41 इज इक्वल टू 1.13। सिम्पसन के 1/3 सूत्र से I इज इक्वल टू 0 to 1 upon 1 plus x dx का दशमलव के 3 सार्थक अंकों तक मान निकालिए। अब यहाँ हम n की वैल्यू इस तरह माने कि उसका एक पूर्णांक बन जाए, न पूर्णांक बने तो जो भिन्न हो वह आसानी से हम सॉल्व कर लें। माना n इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि h इज इक्वल टू b माइनस a अपान n, तो 1 - 0 upon 4 इज इक्वल टू 1 upon 4। y1 इज इक्वल टू 1 upon 1 plus 0 इज इक्वल टू 1/1। y2 इज इक्वल टू 1 upon 1 plus 1/4 इज इक्वल टू 4 upon 5। y3 इज इक्वल टू 1 upon 1 plus 1/2 इज इक्वल टू 2/3। y4 इज इक्वल टू 1 upon 1 plus 3/4 इज इक्वल टू 4/7। y5 इज इक्वल टू 1 upon 1 plus 1 इज इक्वल टू 1/2। 0 to 1, 1 upon 1 plus x dx इज इक्वल टू h/3 बड़े कोष्ट में f प्लस l प्लस 2o plus 4e। नाउ h की वैल्यू रखने पर 1 upon 4 into 3 बड़े कोष्ट में y1 plus y5 plus 2 into y3 plus 4 y2 plus y4 इज इक्वल टू 1 upon 12 बड़े कोष्ट में 1 plus 1/2 plus 2 into 2/3 plus 4 into 48 upon 35 इज इक्वल टू 1 upon 12 बड़े कोष्ट में 3/2 plus 4/3 plus 192 upon 35 इज इक्वल टू 1 upon 12 बड़े कोष्ट में 315 plus 280 plus 1152 upon 210 इज इक्वल टू 1 upon 12 1747 upon 210 इज इक्वल टू 1747 upon 2520 इज इक्वल टू 0.693।